हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला हमारा वीडियो बना हुआ था सेफ्टी के ऊपर, ये भी वीडियो बनने वाला है सेफ्टी के ऊपर, पर वो था वर्कशॉप ऑटोमोबाइल सेफ्टी के ऊपर, और ये वीडियो है वर्कशॉप के जो हमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को यूज़ करना पड़ता है, उनका वापर करना पड़ता है, उनके बारे में हम सेफ्टी कैसे रखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल से संबंधित रहने वाली चीज़ों पर काम करने से पहले हमें उसका मेन स्विच बंद करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत प्रवाह चालू रखकर कभी काम नहीं करना चाहिए। काम करते समय इंसुलेटेड आवरणात्मक औजारों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। विद्युत प्रवाह बंद करने के बाद इलेक्ट्रिकल का सप्लाई बंद हुआ है या नहीं ये निश्चित करें, उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रिकल टेस्टर का उपयोग करें। जितने भी वर्कशॉप में धातुयुक्त उपकरण हैं हमेशा डबल अर्थिंग से जुड़ा रहना चाहिए, और वही अर्थिंग कनेक्शन के लिए हरे रंग कलर के वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। स्विच या होल्डर अगर खराब है या फूटे हुए हैं तो तुरंत बदली करना है। किसी भी विद्युत उपकरणों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप उसके ऊपर काम ना करें, और कभी भी आपको अगर फ्यूज गया हुआ मिलेगा यानी जला हुआ मिलेगा तो जलने का कारण पता चलने से पहले फ्यूज के तार को बदली करना नहीं है। ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट होकर और भी ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद पड़ा हो तो उस सर्किट के बारे में पूरा पता करें। बंद पड़ने का कारण पता चलने से पहले सर्किट को चालू करना नहीं है। अगर किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर काम कर रहे हो तो लॉकआउट टैगआउट किट का ज़रूर इस्तेमाल करना। कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण क्लीन करते समय अचानक शुरू ना हो जाए इसके ऊपर भी ध्यान रखें, और घूमने वाले पार्ट्स को हमेशा 360 डिग्री से ढका होना चाहिए। जहाँ भी आपको अगर वायर के कनेक्शंस और उसके जॉइंट्स लूज मिले तो उसको लूज ना रखें। अगर जॉइंट्स खुले हो तो जॉइंट्स पर इंसुलेशन टेप लगा दें। अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के वायर ख़राब हो तो तुरंत बदल देना चाहिए, उसके बाद ही उस सिस्टम पर काम करना है। हमेशा विद्युत सर्किट का स्विच पॉजिटिव कनेक्शन से ही जुड़ा हुआ रहना चाहिए। गीले हाथ से या गीले जगह पर खड़े रहकर इलेक्ट्रिकल के संबंधित काम करना नहीं है। मल्टीमीटर जैसे विद्युत मापक होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के संपर्क में आकर शॉक लग रहा होगा तो सबसे पहले वही सर्किट का कनेक्शन बंद करें, और अगर किसी व्यक्ति को शॉक लगा होगा तो उसे स्पर्श ना करें। उसे सूखे लकड़े से या काटी या कपड़े से या कपड़े के सहायता से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से दूर हटाए। दोस्तों, अगर हम इतना ही थोड़ा सा सेफ्टी का पालन करेंगे तो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से अचानक होने वाले हादसों को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।